नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे, जिस पर आपको एकदम सही जानकारी है केवल वही प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना सर्च के कोई भी जानकारी वो मिले तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बात करने वाले हैं SI एग्जाम को लेके। क्या आज की खबर के बाद SI एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेके हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक बड़ा नोटिस आज जारी किया है। वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक नोटिस देखने को मिल रहा होगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर देखिए ये हो गया डाउनलोड। और यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है वो देखिए आप। आज का नोटिस है 1/9/2021, आप देख सकते हो। और इन्होंने जो बोला है वो देखिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं कुलपति महोदय के आदेश 1/9/2021 के अनुपालन में दिनांक 8/9/2021 को राज्य स्तरीय PTET की परीक्षा है। अच्छा, 11/9/2021 को समवंतरी का अवकाश एवं 13/9/2021 से 16/9/2021 तक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के कारण इन तिथियों को आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं स्थगित की जाती है। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जिसने एग्जाम है वो अपने पोस्टपोन किए हैं। तो इसके आधार पे तो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम है वो SI वाला अब अपने निर्धारित समय पे ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम अपने पोस्टपोन कर दिए हैं। इसके आधार पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि SI का एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि सभी ने अभी तक मतलब नहीं किए हैं। तो ये मतलब दोनों ही यहाँ पे बातें हो सकती है। और एक मेन जो मुद्दा है SI एग्जाम पोस्टपोन करवाने का वो ये है, ये नहीं है कि विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं, मेन मुद्दा ये है बच्चों का कि जो परीक्षा है वो एक दिन होनी चाहिए, मेन मुद्दा है ये। ये यूनिवर्सिटी वाला कोई मेन मुद्दा भी नहीं है। तो मेन मुद्दा है कि जो एग्जाम है वो एक दिन होना चाहिए बजाय 3 दिन के, क्योंकि 3 दिन जब एग्जाम होगा तो इसमें एक प्रकार से जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड हो या JEE NEET, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट कर लें, और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। सो गाइज, इट्स सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। ऐसा कुछ माना जा रहा है, और पिछले भर्तियों में अगर हम देखें तो ऐसा ही हुआ है। तो इसको देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, और इसको देखते हुए हम ये भी नहीं बोल सकते कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो जैसे ही कोई मतलब RPSC का इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आ जाता, तब तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ है वो नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो अपनी तैयारी है वो जारी जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो और आप तैयारी भी ना करें तो इस चीज़ का आपको नुकसान ना हो जाए। तो अपनी तैयारी है वो जारी रखें। मिलते हैं अगली अपडेट तक, जब तक कोई ऑप्शन